ताइवान में इस महीने फिर से बड़ा भूकंप आने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। देश के पूर्वी तट पर शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे के दौरान लगभग 80 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन भूकंप के झटकों में सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक ये दोनों झटके रात 12 बजे के आसपास कुछ मिनटों के अंतराल पर आए। मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र पूर्वीय काउंटी हुलियन में धरती से लगभग 5.5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण हुलियन में लगभग 2 इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। इनमें से एक बिल्डिंग बुरी तरह से ढह चुकी है तो दूसरी सड़क की तरफ झुक चुकी है। बताया जा रहा है कि जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिनमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी ये भूकंप हुलियन शहर में आया था। इसका केंद्र धरती से 34 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कई इमारतें जमींदोज हो गई, लैंडस्लाइड भी हुए। तब से अब तक ताइवान में सैकड़ों झटके भूकंप के महसूस किए जा चुके हैं। ताइवानी सेंट्रल वेदर ब्यूरो के मुताबिक यह ताइवान में 25 साल में आने वाला सबसे तेज भूकंप माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा देश है, जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता है। 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे पहले 1999 में 7.3 तीव्रता के भूकंप में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दौरान सरकार को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि हर साल दुनिया में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप के झटके रिकॉर्ड करता है। इनमें से 100 भूकंप के झटके ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा नुकसान होता है। ये भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक ही रहता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। ये भूकंप लगभग 30 मिनट तक रहा था।